जोधपुर तनाव पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर हिंसा बीजेपी की साजिश है, जहां चुनाव होंगे वहां ये लोग साजिश करेंगे। जोधपुर हिंसा की निंदा वो करते हैं, ये भी उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम को लड़वाना बीजेपी का एजेंडा है। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। परशुराम जी की जयंती, इस मौके पर हिंसा को हम कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा भी करते हैं और खंडन भी। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका, अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कुछ कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा। तो आप सुन रहे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जोधपुर में हिंसा हुई है वो बीजेपी की साजिश। और देखिए, इस पूरे प्रकरण पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है, लेकिन जरूरी इस वक्त ये है कि जोधपुर में शांति बनी रहे और जोधपुर में जो लोग रहते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की हिंसा से होकर ना गुजरना पड़े। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए बेहद गंभीर है। कुछ देर पहले उन्हें भी हमने आपको सुनाया जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जरूरत अभी इस चीज की है कि आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाकर रखा जा सके, क्योंकि मारवाड़ की संस्कृति रही है, भाईचारा मारवाड़ की परंपरा है, सौहार्द। और आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है,